कि अधिकतर शादियां, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम शादियां, मोमिनों की शादियां करीब में रिश्तेदारी में होती हैं। कोई खाला की बेटी है, कोई मौसी की बेटी है, कोई बहनी है, किसी भी किस्म की, और बहुत ही क्लोज रिश्तेदारी में। फर्स्ट कजन, सेकंड रिश्तेदारी नहीं, केवल रिश्तेदारी ही नहीं है, नेटवर्किंग भी बहुत होती है। और कजन, इंफॉर्मेशन मतलब बैकग्राउंड चेक जो है वो दूल्हे का वगैरह 2 सेकंड में निकल आता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। रेफरल्स बहुत तगड़े होते हैं एंड यू कैन नॉट इजीली ओवरराइड दोस रेफरल्स। तो इसमें क्या होता है कि लिहाज करना जो है, मतलब कहीं मौलाना ने बोल दिया तो उसकी टोपी की इज्जत दांव पे लग गई, वो उसको काउंटर राइड नहीं करने देगा। हाँ, मारपीट वगैरह वहां भी मौलाना ने बुला के समझाया ना, भाई ठीक से रहो, तो कई मसले सुलझ जाते हैं, इतने इतने गहरे नहीं होते जितने हमें लगते हैं। और ये देखिए, हिंदू महिला जो उनके बीच में फंस जाती है ना, वो तो बिल्कुल कटी पतंग है, उसका कुछ नहीं है। ये पहले कटी पतंग इनकी, नहीं होती। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पहले इनको जो आप कह रहे हैं ना, जो प्रेशर पॉइंट्स है, एक तो हाँ मुल्ला मौलवी के पास जाना, मौलाना के पास जाना, हाँ वहीं पे निकाह होना है और वहीं पे डाइवोर्स भी होना। तो एक तो यह है कि मुल्ला मौलाना अगर इंटरवीन कर लेते हैं और सुलह सलाफा करा देते हैं तो थोड़ा संभल के लड़की को चलना पड़ता है, हाँ, ये कह पढ़ता है रहे। पढ़ता है पढ़ता है, वाकई पढ़ता और अगर लड़की वाले जरा स्ट्रांग पार्टी हो है। तो अरे, और आपको भी। यहाँ एक बात बताता हूँ, सुनिए। जावेद मियादाद की बेटी की शादी, बेटी बेटी की शादी आई मीन बेटे की शादी दाऊद इब्राहिम के बेटे के साथ हुई है। अब मजाल है कि दाऊद भाई के जीते जिंदा रहते हुए जावेद का बेटा कभी बेटी पे हाथ उठाए, सही बात। आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आप देखिए, उस समाज का क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्वमेंट कितना है। सही बात। तो ये बाप का तगड़ा होना जो है, बेटी के बाप का तगड़ा होना भी बहुत आम बात है। तो आपको ये तलाक या ये उत्पीड़न वगैरह अपर क्लास सोसाइटी में नहीं मिलेगा, उनके वेल्दी सोसाइटी में नहीं मिलेगा, जहां पुरुष की जो फ्रस्ट्रेशन है ना। देखिए, आप साइकोलॉजिकली बात पे देखिए, आदमी अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने से कमजोर पर निकालता है अक्सर। तो डेली लाइफ की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जहां बॉस आदमी बॉस से डांट खा के आया है, तो घर में बीवी पर, बीवी बच्चों पर, बच्चे कुत्ते पर, वो एक चेन होती है। नहीं, पर मुझे लगता है कि इनके ऐसा नहीं है कि अपर क्लास मुस्लिम्स में जरा भी उत्पीड़न नहीं है। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ ऐसे कुछ। जरा भी का मैंने कहा, जरा भी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पुअर क्लास में जितना आसानी से हाथ उठता है उतना वहां नहीं उठता। अपर क्लासेस में लिहाज काफी करना पड़ता है, इतनी आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, होता है, कहां नहीं होता, होता है।